ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उससे एक बात साफ है कि ट्रूडो की मंजूरी के बिना इस तरह का हमला हो ही नहीं सकता। उसके पीछे के कुछ सबूत अब सामने आने लगे हैं। दरअसल हिंदू सभा मंदिर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसके जरिए जो लोग भारत के मूल से जुड़े हुए हैं उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा रहा था और इस कार्यक्रम के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से पहले से ही कई गुजारिशें की गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हमला होने दिया गया। अब इस पूरे मामले पर हाई कमीशन ऑफ इंडिया ओटावा ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उसने बताया है कि क्या कुछ हुआ है। भारत के हाई कमीशन की तरफ से बताया गया है कि हमने पहले भी ओटावा और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन वैंकूवर और टोरंटो, यहां पर हमने काउंसलर कैंप्स जो है इस पीरियड में लगाया है जिसके जरिए लोकल लाइफ सर्टिफिकेट बेनिफिशरीज जो कनाडाई और भारतीय हैं उन्हें ये प्रदान किया जा रहा है। इसी दौरान जो आगे जानकारी दी गई है वो बेहद हैरान करने वाली है। भारतीय दूतावास ने बताया कि कनाडा में मौजूद सुरक्षा स्थिति के कारण कनाडाई अधिकारियों से इन आयोजनों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए पहले से ही अनुरोध किया गया था जो नियमित वाणिज्यिक दूतावास कार्य का हिस्सा है। हमने आज 3 नवंबर को वाणिज्यिक दूतावास के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक व्यवधान देखा। टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ सह आयोजित शिविर का आयोजन हुआ। स्थानीय सह आयोजकों के पूर्ण सहयोग से हमारे वाणिज्यिक दूतावास द्वारा आयोजित किए जा रहे नियमित वाणिज्यिक दूतावास कार्य के लिए इस तरह के व्यवधानों को अनुमति देना बेहद निराशाजनक है। हम भारतीय नागरिकों सहित आवेदकों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं जिनकी मांग पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस तरह के भारत विरोधी तत्वों के हंगामे हमले के बावजूद भी भारत ने ऐसे 100 लाभार्थियों को ये सर्टिफिकेट मुहैया भी कराया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा वैंकूवर और सुर्रे में भी इस तरह के डिस्ट्रप्शन पैदा किए गए और इस तरह से हंगामा करने की कोशिश की गई। लगातार भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को धमकी मिल रही है और उनके लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने यह भी कहा कि अगर चीजें ऐसी ही आगे बढ़ती रहीं और इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये हो सकता है कि जो वहां इसके स्थानीय यूजर हैं इस सर्विस के उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर भारत ने जिस तरह से प्रेस स्टेटमेंट जारी करके ये बताया है कि हमने सुरक्षा मांगी थी उसके बावजूद भी कड़ी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और प्रदर्शन होने दिया गया, इससे साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि इन सब के पीछे ट्रूडो की मंजूरी का खेल कितना बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।